आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। करने से पहले चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के बिल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। समांतर माध्य की गणना, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं भाई, इसके बाद बारंबारता के बाद मध्य बिंदु के बाद एफ आई और एक्स आई का मान, इसे हम एक्स आई से डिनोट करते हैं और इसे एफ आई से। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं भाई 0 से 20, और बारंबारता क्या है 20 से 40 के बीच बारंबारता 10 है, 40 से 60 के बीच बारंबारता 12 है, और 60 से 80 के बीच बारंबारता क्या है 6, और 80 से 100 के बीच बारंबारता कितना है 8 है। ठीक, ये हो गया। अब हम सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 20, तो इसमें हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 20 में 0 जोड़ोगे 20 ही आएगा, 2 से भाग कर दो इसको तो क्या आ जाएगा, 2 × 20 = 10 आ जाएगा। 40 और 20 है तो 20 और 40 को जोड़ो 60 हो जाएगा, 2 से भाग कर दो क्या आ जाएगा 30। फिर इसी तरह 60 और 40 को जोड़ो 100 और 2 से भाग करो क्या आएगा 50। फिर नेक्स्ट 8, 6, 14, 140 और इसको 2 से भाग करो क्या आएगा 7, 2, 14, 70 आ जाएगा, और यहाँ पर 180 हो जाएगा तो 2 से भाग करो क्या आएगा 90। ठीक, ये हो गया मध्य बिंदु, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे। कैसे, एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 को 10 से करो क्या आएगा 40, फिर 10 से 30 को करोगे क्या आएगा 300, फिर 12 को 50 से करोगे क्या आएगा 12 × 0 = 0, 12 × 5 = 60, फिर 6 से करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 6 × 0 = 6, 7 = 42, और 8 का करोगे 90 से तो क्या 8 × 0 = 8, 9 = 72। अब हम इसका योग करेंगे, योग निकालेंगे सिग्मा आई इक्वल टू 1 to k और एफ आई एक्स आई का मान होगा, इसका जो योग करेंगे तो इसी का मान होगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 0 0 0 तो 0 उतार लो भाई, फिर 4 4 2 6 6 2 8, फिर इसके बाद 3 6 9 9 4 13 13 7 20, यहाँ पर क्या आ गया 2080। ठीक, अब यहाँ पर हम सिग्मा i = 1 to k एफ आई का मान, इसको यहाँ से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसको जोड़ लो भाई 12 8 20 20 6 26 26 4 30 10 40, यहाँ पर क्या माना गया इनका 40। समांतर माध्य का फार्मूला याद रखिएगा, एक्स बार से डिनोट करते हैं, क्या होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to k एफ आई एक्स आई अपॉन आई इक्वल टू 1 to k एफ आई, एक्स बार बराबर सिग्मा आई इक्वल टू 1 to k एफ आई एक्स आई का मान क्या है 2080, और अपान में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to k एफ आई का मान क्या है 40। 0 से 0 कट जाएगा तो एक्स बार का मान क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर जो समांतर माध्य का मान आ जाएगा कितना आएगा 52 = 52। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा,
क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।